की आंखन में है शर्म। शर्म का मतलब अगर घर में बहू बेटा आ गई है तो बड़े बूढ़े को फर्ज है कि बाहर चौपार पे बैठे। अब बड़ो बूढ़ो घुस घुस के अंदर कमरा में बैठे गो, रसोई में बैठे गो, तो बहू तुम्हारी कब तक पर्दा करेगी? ये सोचने की बात है ना। तो खुद की आंखों में हो शर्म, बड़े बूढ़े की आंखों में हो शर्म, और जिब्या हो नरम। जिब्या नरम का मतलब बहु बेटा से कुछ गलती है जाए तो उसे प्यार से समझा दो, बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। कुछ बड़े बूढ़े ऐसे होते हैं, बहू से कुछ गलती है गई तो टेम्परेचर हाई, मैया भैया मतलब काऊ छोड़ेंगे ही नहीं कहने के लिए। अब जब तुम जीव उठा लोगे, रुकोगे ही नहीं, तो बहू भी मजबूर हो जाएगी अपने जीव उठाने के लिए, है ना। तो खुद की आखिर में हो शर्म, जिब्या हो नरम। और प्यारे हो, तीसरी बात तो 100% होनी जरूरी है। कहा जेब हो गरम, जेब हो। आजकल बड़े बूढ़े की मुट्ठी में ताकत होनी चाहिए प्यारे। आजकल बड़े बूढ़े को उनी लल्ला बहू के हाथ की रोटी खाने को मिल रही है, जिनकी आंखन में है शर्म, जिब्या है नरम और जेब है। और जेब तो प्यारे 120% होना चाहिए, 120 हाँ 20% और ओवर बोल रही हूं मैं महाराज। तो सबसे छोटा बेटा था पुरू। पुरू ने कहा है कि पिताजी तुमसे ही मिला लड़कपन है, तुमसे ही मिली जवानी है, ले लो। पुरू ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी, पिता का बुढ़ापा ले लिया। अब लड़का बूढ़ो और बाप जवान, कितने शर्म की बात है। लोगों ने थू थू करना शुरू कर दिया, राजा को शर्म नहीं आती, बच्चे की जवानी ले ली, बच्चा बूढ़ा है, पिता जवान है। महाराज याती ने 100 साल तक बच्चे की जवानी से रति आशना का आनंद होगा। उसके बाद उन्हें याद आया ये शरीर तो नाशवान है, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। तो महाराज याति जी ने क्या किया, अपने सबसे छोटे वाले बेटा को राज्य दे दो, सबसे छोटे वाले बेटा को। वैसे नियम तो ये कि सबसे बड़े बेटा को मालकी दी जाए। राजा ने देखा कि मेरे काम में सबसे छोटा बेटा आया है तो सबसे छोटे वाले बेटा को मालकी दे दई, बच्चा की जवानी बच्चा को वापस कर दई और बुढ़ापो लेके भगवान को भजन करवे चले। इधर जब पुरु राजा बन गए, यदु को मालूम पड़ा कि मेरे होते हुए मेरे छोटे भाई का राज अभिषेक हो गया है, तो यदु को बहुत गुस्सा आया। यदु दौड़ते हुए आए, पुरु को गद्दी से पकड़ करके जमीन पर ढकेला, मार दिया। पुरु को जमीन पर फेंक दिया, यदु खुद राजा बन गए। अब इधर महाराज पुरु के नाना, पुरु के नाना राजा बृहस्पर्भा। बृहस्पर्भा को ये बात मालूम पड़ी कि हमारे देवते पुरु को यदु ने गद्दी से फेंक दिया है, तो बृहस्पर्भा राक्षस यदु को मारने के लिए अजगर का रूप बनाकर यानी सर्प का रूप बनाकर चला। यदु घोड़ा पर सवार होकर के शिकार के लिए जा रहे थे, उसी रास्ते पर राक्षस अजगर का रूप लेकर बैठ गया। जब अजगर का रूप लेकर बैठ गया तो नारद जी ने यदु को रोका है और कहा है यदु आगे मत बढ़ जाना,
क्योंकि राक्षस